एटीट्यूड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हमारी लाइफ में हमारा एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा एटीट्यूड हम रखते हैं, दुनिया की नज़र में हम वैसे ही बन जाते हैं। आपने धोनी मूवी तो देखी होगी, उसमें आपने युवराज सिंह को देखा होगा जब बास्केटबॉल कोर्ट के पास युवराज सिंह और धोनी और उनके दोस्तों का एक छोटा सा सामना होता है। उस समय धोनी के टीममेट्स युवराज के एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनमें से एक दोस्त कहता है कि क्या प्लेयर है यार। उस समय युवराज पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड में होते हैं और धोनी और उनके टीममेट्स नेगेटिव एटीट्यूड में, और उसी नेगेटिव एटीट्यूड के साथ धोनी और उनके टीममेट्स अगले दिन मैदान पर उतरते हैं मैच खेलने के लिए युवराज सिंह की टीम के सामने, और वहाँ पर वो मैच हार जाते हैं। मैच हारने के बाद धोनी अपने दोस्तों से उस मैच के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो मैच कहाँ पर हारे थे। क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं, बल्कि उस बास्केटबॉल कोर्ट पर जहाँ पर वो लास्ट नाइट युवराज सिंह से मिले थे। उनके कहने का मतलब ये था कि उनके नेगेटिव एटीट्यूड ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वे मैच हारने वाले हैं। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक प्रॉब्लम को हम किस प्रकार फेस करते हैं। सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या हम शांत रहकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या घबराहट में हड़बड़ा जाते हैं? बस यही एक छोटा सा फर्क होता है हमारे एटीट्यूड में, जो हमें ये बता देता है कि हम जीवन में कितना आगे जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपकी ज़्यादा संभावनाएं हैं सक्सेसफुल होने की। अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो शायद आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। आपने वो लाइन्स तो सुनी होगी कि प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज योर एटीट्यूड अबाउट द प्रॉब्लम। मतलब जो प्रॉब्लम है वो असल में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आपका एटीट्यूड उस प्रॉब्लम के प्रति कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे प्रॉब्लम को, अगर नेगेटिव होगा तो शायद उस प्रॉब्लम में आप और भी ज़्यादा उसमें फंसते चले जाओगे, उसके ट्रैप में। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। शेर जंगल का राजा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से है, जबकि हाथी भी जंगल का राजा हो सकता है, इतना बड़ा जो है कद में, लेकिन उसका एटीट्यूड शेर के प्रति क्या होता है कि ये मुझे खा जाएगा। और शेर का हाथी के प्रति क्या एटीट्यूड रहता है कि मुझे इसे खाना है। बस यही फर्क होता है एक सक्सेसफुल इंसान और नाकामयाब इंसान में, पॉजिटिव एटीट्यूड वर्सेस नेगेटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम में से बहुत से लोग एटीट्यूड को ईगो समझ लेते हैं, बट एटीट्यूड कुछ अलग चीज़ है। आपका रिएक्शन प्रॉब्लम के प्रति कैसा रहता है उसको एटीट्यूड कहते हैं। ईगो आपका कुछ अलग चीज़ है। ईगो ये होता है कि आप अगर किसी काम के बारे में बात करें तो आप कहें कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, वो ईगो है। एटीट्यूड उससे हटकर है, इसलिए एटीट्यूड और ईगो को आप एक चीज़ नहीं मान सकते। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है, तो ईगो और एटीट्यूड को कभी मिलाइए मत, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, इसी से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, मेक इट हैपन।